ज़्यादा ब्लैक कलर आया है इसका, और बहुत ही अच्छा ये डाई बनकर रेडी हुआ है हमारा, और आप इसे कभी भी इस्तेमाल कर सकते हो। और इतना ज़्यादा ब्लैक ये बालों को कर देगा, एकदम से जो बाल हैं एकदम ब्लैक हो जाएंगे, बहुत अच्छे से ब्लैक हो जाते हैं इससे। और ये ट्राई एंड टेस्टेड है, यानी कि ये इस्तेमाल करके देख चुके हैं। तो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का वीडियो जो है वो आपके बालों को जो है इंस्टेंट ही एकदम से ब्लैक कर देगा। काफ़ी लोग चाहते हैं, काफ़ी कमेंट्स आते हैं मेरे पास कि मैम कुछ ऐसा फॉर्मूला बता दीजिए, कुछ ऐसी चीज़ बता दीजिए जो हम एकदम से बना लें और एकदम से अपने बालों को कभी भी कहीं भी हमें जाना हो या कहीं मतलब अपने घर में ही क्यों ना हो और हम चाहते हैं एकदम से हमारे बाल जो है ब्लैक से दिखाई देने लगे, तो उसके लिए आज मैं आपसे वीडियो शेयर कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा इंस्टेंट ही आपके बालों में जो है ब्लैक कलर आ जाएगा। जो लोग चाहते हैं कि ज़्यादा हमें टाइम ना लगे और एकदम से हमें डाई भी ना लगानी पड़े और हमें किसी पार्टी में जाना है या किसी ओकेजन में जाना है या कहीं वैसे ही जो है ब्लैक करने का मन हो, तो आप एकदम इंस्टेंट ही ब्लैक कर सकते हैं। वो भी 1 मिनट ही लगेगा आपको सिर्फ इंस्टेंट ही। तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले एक छोटे सा रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, एक जो बेल आती है उसको ज़रूर आप प्रेस कर दिया करें। तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने पहले आयरन वाली एक कढ़ाई ले ली और जो मैंने गैस का फ्लेम है वो जो है वो मैंने सिंपल रखा है, यानी कि कम पर रखा है। तो मैं आंवला पाउडर लूँगी। आंवला अगर आपके पास है तो आप उसे घर पर पीस लीजिए, क्योंकि घर का जो होता है वो प्योर होता है। लेकिन अभी जो है मेरा ख़त्म हो गया तो मैं मार्केट वाला पिसा हुआ ही आंवला ले लूँगी। अगर आपके पास घर का है तो इंस्टेंट ही आपका जो है रिजल्ट है वो 100% आपको मिलेगा। तो ये देखिएगा मैंने जो है मार्केट वाला आंवला ले लिया इस तरीके से। आपको जितना बना कर रखना हो आप उतना ले लीजिए। तो देखिएगा मैं इसे जो है इस तरीके से आंवला पाउडर को ले ले रही हूँ। और मैं जो है इसे सिंपल ही इस तरीके से जो है रोस्ट कर लूँगी, ये ब्लैक पाउडर हमारा रेडी हो जाए इस तरीके से। और आपको ध्यान रखना है, आपको जो गैस का फ्लेम है वो सिंपल ही रखना है, जितना आपको बनाकर रखना हो ये पाउडर। आप जो है जितना है आपको बनाकर रखना हो आप इस पाउडर को जो है भूनकर रख लीजिए अपने कंटेनर जार में, तो ये ख़राब नहीं होगा बिल्कुल भी। आपका जब मन करा आपने ली और बना ली, इस तरीके से आप इसे भून लीजिए और कंटेनर में भर के ठंडा करके रखना है। आपको इस बात का ध्यान रखना है। इस तरीके से देखिएगा ये कितना ज़्यादा ब्लैक होता जा रहा है जैसे ये आयरन के टच में आता है, यानी कि आयरन यानी कि लोहे की जो हमारी कढ़ाई है। इस तरीके से देखिएगा कितना ब्लैक होता जा रहा है ये। और गैस का फ्लेम जो है आपको बिल्कुल भी तेज पर नहीं करना है, सिंपल ही रखना है। तो ये देखिएगा भूनते भूनते ही कितना ज़्यादा ब्लैक हो गया है। आप अच्छे से इसका कलर देख सकते हैं, एकदम से इसका कलर जो था वो चेंज हो गया इस तरीके से। ये पूरा ब्लैक नहीं हो जाता तब तक मैं इसे जो है भूनूंगी। एक अच्छा डार्क कलर हमें चाहिए। अब आप इसे ठंडा करके एक कंटेनर में भरकर भी रख सकते हैं, तो आपको जितना लेना हो। तो चलेगा मैंने बनाकर रख रखा है तो मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ थोड़ा सा ही इसमें से लेकर। तो देखिएगा मैंने एक खाली पॉट ले लिया, तो मैं जितना मुझे बनाना हो मैंने जैसे बना कर रख रखा है मैं आपको सिर्फ दिखा रही हूँ। इस तरीके से मैंने 1 चम्मच के करीब इसे निकाल लिया। आपको जितना लेना हो आप उतना ले लीजिए, अपने बालों के हिसाब से ले लीजिएगा इस तरीके से लेकर। तो ये देखिएगा ये मेरे पास जो है पतंजलि का एलोवेरा जेल है। आपके पास कोई सी भी कंपनी का एलोवेरा जेल हो आप वो ले लीजिए। तो यहाँ पर जो है मैं यहाँ पर थोड़ा सा ये एलोवेरा जेल डालूँगी, ज़्यादा नहीं आपको डालना, इस बात का आपको ध्यान रखना है इस तरीके से। और मैं इस पेस्ट को अच्छे से चला दूंगी इस तरीके से। देखिए अभी थोड़ा सा कम है, मैं इसमें थोड़ा सा एलोवेरा और डालूंगी। देखिएगा अच्छे से जो है इसमें एलोवेरा जो है मिक्स हो जाना चाहिए बहुत अच्छे से। ये देखिएगा ये अच्छे से मिक्स हो गया। अब ये जो है
ये हमारी हेयर डाई जो है बनकर रेडी हो गई है लगने के लिए। इंस्टेंट ही आप इसको लगा सकते हैं, यानी कि तुरंत की तुरंत ही, और ये एक सेकंड से भी कम में आपकी रेडी हो जाएगी। बस आपको जो है आंवला पाउडर जो है अपना भून कर रख लेना है अपने पास, और जब भी आपका मन करे आप थोड़ा सा निकाल लीजिए अपने बालों के हिसाब से, और एकदम से आप इसे बना लीजिए इस तरीके से, और फिर आप अपने बालों में लगाइएगा वाइट हेयर में। पर आपको एक बात का ध्यान रखना है, इससे ऑयली भी नहीं होंगे आपके, आपको ज़्यादा एलोवेरा नहीं डालना है कि बहुत ज़्यादा इसमें आप एलोवेरा डाल दें और ये पाउडर कम रह जाए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इंस्टेंट ही एकदम आपके बाल जो है वाइट वाले एकदम से ब्लैक हो जाएंगे। आप लगा लीजिए, किसी भी पार्टी ओकेजन में आप इसे लगा कर जा सकते हैं, पर जब भी आप हेयर वॉश करेंगे तो ये डेफिनेटली आपका जो है हट जाएगा। ये टेम्परेरी होता है, यानी कि जब आप इसे बनाना चाहें एकदम से, आपके पास कुछ भी नहीं है, आप डाई का मन नहीं है आपका, तो आप इसे इंस्टेंटली एकदम से बना सकते हैं और अपने बालों को, वाइट बालों को एकदम से कवर कर सकते हैं। ये आपके वाइट बालों को एकदम से जो है बहुत अच्छे से कवर कर देगा। एकदम आपके बाल चाहे छोटे हों या बड़े हों, आप अपने हेयर में लगाएंगे तो आपके बाल जो है एकदम से ब्लैक हो जाएंगे। और मैंने तो बहुत सारा जो है बना कर रख लिया है, आपके बालों को फ़ायदा भी करेगा बहुत ज़्यादा जो है, ये बेनिफिशियल हो गया हमारे हेयर के लिए, एक हेयर मास्क भी बन गया है ये हमारा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, कोई कमेंट हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।